फ्रेंड्स नीतू वर्स आई वेलकम यू ऑल अगेन इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा। फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड पीवी शैली की एक बायोग्राफी आपके सामने लेकर आई हूँ। पीवी शैली जो कि एक रोमांटिक पोइट थे जिन्हें यंग रोमांटिक पोइट माना जाता है। पीवी शैली, जॉन कीट, इनको यंग रोमांटिक पोइट्स माना जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके लाइफ एंड करियर की। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1792 टू 1822 रहा है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं इनके करियर की और लाइफ की। पीवी शैली वाज बोर्न ऑन 4th अगस्त 1792 एट फील्ड प्लेस नियर हॉर्शाम ससेक्स। नियर हॉर्शाम ससेक्स में इनका जन्म हुआ था। 4 अगस्त 1792 को इनका जन्म हुआ था। शैली वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ टिमोथी एंड एलिजाबेथ। इनके फादर का नाम था टिमोथी शैली और इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ शैली। शैली रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट ईटन कॉलेज से इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। वे ही वॉज कॉल्ड मैड शैली, जहाँ पर इन्हें मैड शैली कहकर पुकारा जाता था ड्यू टू हिज शाई सेंसिटिव एंड मूडी नेचर। फ्रेंड पी वी शैली को अपने नेचर से काफ़ी सेंसिटिव और मूडी नेचर माना जाता है कि कब उन्हें गुस्सा आएगा, कब वो नॉर्मल होंगे, उनका कुछ पता नहीं होता था। इसीलिए ईटन कॉलेज के अंदर उन्हें मैड शैली के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। शैली मैट्रिकुलेटेड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1810 में इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की किया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से किया था। इन 1811 शैली एंड थॉमस जेफरसन वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज फॉर पब्लिशिंग अ पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। फ्रेंड्स ये जो इंसिडेंट था इनकी लाइफ में 1811 में, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था इनकी लाइफ का, इसे आप नोट डाउन करेंगे। शैली और जो थॉमस जेफरसन थे फ्रेंड्स, इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। एक्सपेल्ड मीन्स निकाल देना, इनको कॉलेज से निकाल दिया था क्या करने के लिए, पब्लिशिंग का पैम्फलेट। इन लोगों ने मिलकर एक पैम्फलेट निकाला था, द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म नाम से एक पैम्फलेट निकाला था इन्होंने, जिसके कारण इन्हें क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शैली इलोप्ड विद हैरियट वेस्टब्रुक एंड वर मैरिड इन ईटनबर्ग इन 1811, बट द मैरिज वॉज अ फेलियर। अगर इनकी मैरिज की बात करें फ्रेंड्स, ये हैरियट वेस्टब्रुक नाम की एक जो लेडी थी उनके साथ ये भाग गए थे और इन्होंने ईटनबर्ग में 1811 में इनसे शादी की थी, लेकिन इनकी जो शादी थी वो फेल हो गई थी। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन 1813 शैली इलोप्ड विद मैरी गॉडविन एंड हर सिस्टर एंड हाफ सिस्टर क्लेयर क्लेबॉन्ट टू स्विट्जरलैंड। 1813 में फिर शैली ने क्या किया, एक मैरी गॉडविन नाम की लेडी के साथ फिर भागे और उनके साथ उनकी सिस्टर भी थी, हाफ सिस्टर थी क्लेयर क्लेमेंट, टू स्विट्जरलैंड। ये मैरी गॉडविन के साथ 1813 में भागे। इन 1816 हैरियट ड्राउन्ड हरसेल्फ। 1816 में हैरियट की डूब के मृत्यु हो गई। वहीं बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, शैली पास्ट सम टाइम विद लेहंट इन हेम्पस्टीड एंड मैरिड मैरी गॉडविन ऑन December 30, 1816। लेहंट भी इनके एक लेहंट को काफ़ी क्लोज माना जाता है पीवी शैली के, क्योंकि ये भी इनके लेहंट को भी फ्रेंड्स, क्योंकि यंगर रोमांटिक पोइट माना जाता है शैली, कीट्स और जो आपके लेहंट हैं इन्हें भी रोमांटिक पोइट माना जाता है और इनके ये काफ़ी क्लोज भी रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब लेहंट के साथ में कुछ समय बिताया हेम्पस्टीड में और इन्होंने वहीं पर मैरी गॉडविन से शादी की December 13, 1816 को। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे कि इन जो शादी हुई थी मैरी गॉडविन से, इनकी दूसरी वाइफ का क्या नाम था, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। पहली इनकी वाइफ थी हैरियट और दूसरी थी इनकी मैरी गॉडविन, जिससे इन्होंने शादी की थी 1816 में। ये नोट डाउन करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शैली बोर अ सन इन 1816। शैली को एक बेटा हुआ
1816 में, ये आप नोट डाउन करेंगे। एंड द सेम ईयर अलेस्टर एंड द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड वर पब्लिश, और इसी साल इनकी जो फेमस वर्क था अलेस्टर एंड द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड वर पब्लिश्ड, इनका जो फेमस वर्क था फ्रेंड अलेस्टर और द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसको पब्लिश भी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शेली गेंड द फ्रेंडशिप ऑफ बायरन इन 1816 की, शेली की 1816 में जो फ्रेंडशिप हुई थी वो लॉर्ड बायरन से हुई थी। वहीं चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वाइल शेली वॉज इन ईटन कॉलेज, जब शेली ईटन कॉलेज में था, ही प्राइवेटली पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ गोथिक हॉरर रोमांसेस, तो वहाँ पर इन्होंने पब्लिकली प्राइवेटली एक गोथिक हॉरर रोमांसेस की जो सीरीज थी फ्रेंड्स वो शुरू की थी नोवेलिटीज के नाम से। एंड सम वर्सेज आज फॉलोज, और उनमें जो जो वर्सेस थी, जो कविताएं थी, उनमें एक थी आपकी जेस्ट्रोजी 1810, सेंट इरविन और द रोसिक्रूशन 1811। शेली वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय गॉडविन एंड प्लेटो, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो शेली थे वो किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, तो ये गॉडविन से और प्लेटो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वहीं बात करें अगर शेली डाइड ऑन जुलाई वाइल सेलिंग ऑफ वायरेगियो इटली, द नेम ऑफ बोट वॉज एरियल, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी डेथ कब हुई, तो इनकी डेथ हुई थी फ्रेंड जुलाई 1822, ड्रोनिंग यानी डूबने के कारण इनकी डेथ हुई थी, जब ये सेल कर रहे थे कहाँ के लिए, विगाग्रियो और इटली के लिए, और इनकी जिस बोट में बैठे हुए थे फ्रेंड उसकी बोट का नाम क्या था, एरियल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जिस बोट में शेली बैठे हुए थे उनकी बोट का नाम क्या था, एरियल था। इस तरीके अंदर से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हम नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बायरन हर्ट एंड ट्रिलोनी लिट हिज पायरे, हिज एशेज वर बरिड इन द प्रोटेस्टेंट सीमेट्री एट रोम ऑन 21 जनवरी एंड 1923 को जो इनको सीमेट्री प्रोटेस्टेंट सीमेट्री रोम में इनको दफनाया गया था। द फ्रेज कोर कोडियम इज इंस्क्राइब ऑन द टॉम्ब ऑफ शेली, और शेली की जो टॉम है उस पर एक फ्रेज लिखा हुआ है कोर कोडियम, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलते हैं वहीं आप इनके फेमस वर्क्स की तरफ। अगर पोइट्री की बात करें, शेली रोट ए नंबर ऑफ ब्रिलियंट लिरिक्स, सम मेजर पोएम्स ऑफ शेली आर। चलिए फ्रेंड बात करते हैं पी वी शेली की पोइट्री की। शेली रोट ए नंबर ऑफ ब्रिलियंट लिरिक्स, इन्होंने असंख्य लिरिक लिखे हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं। सब मेजर पोएम्स ऑफ शेली आर, उनकी कुछ मेजर पोएम्स की बात कर लेते हैं, जो कि हैं क्वीन ऑफ इस्लाम, रोजा लिंड एंड हेलेन, एपिचाइडियन, इसको आप एपिचाइडियन भी बोल सकते हैं, एडोनिस, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, फ्रेंड्स याद रखना वीनस एंड एडोनिस किसने लिखी है, आपके विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, वहीं खाली एडोनिस किसने लिखी है, पी वी शेली का वर्क है, ये आप याद रखेंगे, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, टू वर्ड्सवर्थ नाम की एक पोएम भी इन्होंने लिखी है, ओजमाइंडियाज भी इन्होंने लिखा है। इनमें जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, नोटेबल वर्क हैं वो ये हैं फ्रेंड्स, आपने याद रखेंगे क्वीन मैप, इसमें आपका क्वीन मैप, अलास्टर, द स्पिट ऑफ सॉलिट्यूड, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, एपिसाइडियन, अडोनिस एंड ट्रम्प ऑफ लाइफ, ये वर्क्स इनके आप याद रखेंगे। देर आर सम इम्पोर्टेंट पोएम्स आर ऑल्सो टू अ स्काई लार्क, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अ लेमेंट ऑफ अ वर्ल्ड और लाइफ और टाइम, अ लेडी विद टू लेडी विद अ गिटार और टू लिबर्टी, द विच ऑफ एटलस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप नोट डाउन करेंगे, टू जैन लव्स फिलोसफी, टू द मून, स्टेंजर रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये आप याद रखेंगे, अरेथूसा, अ लेमेंट, द इंडियन सरेनेड्स, ये इनकी पोइट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। वहीं प्लेस की बात करें, शेली ने केवल दो प्लेस लिखे हैं फ्रेंड्स, द शेंसी एंड प्रोमेथियस अनबाउंड, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ये आप नोट डाउन करेंगे। वहीं बात करें अगर इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट्स एंड स्टडीज़ की, तो इन्होंने जो ट्रैक्ट दिया था एक नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, आपको पता होगा, जिसके लिए इन्हें ईटन कॉलेज से निकाल दिया गया था। वहीं दूसरा है इनका एन एड्रेस टू द आयरिश पीपल, थर्ड है इनका रेफ्यूटेशन ऑफ डाइज्म, एंड लास्ट इज द डिफेंस ऑफ पोइट्री, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आर डिफेंस ऑफ पोइट्री किसका ट्रैक्ट है, तो ये पी वी शैली का ट्रैक्ट है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल हम इतनी बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी बात करेंगे, उनको विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
दैट्स ऑल फॉर